दिल्ली NCR में जमीन की आसमान छूती कीमतों ने एक बार फिर रिश्ते कलंकित कर दिए। एक युवक ने जमीन के टुकड़े के चलते अपनी सगी मौसी का कत्ल कर दिया। मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां 5 तारीख में महिला को गोली मारी गई थी, जिसके बाद 8 तारीख में अस्पताल ने दम तोड़ दिया था। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये युवक हैं अरविंद वर्मा। ग्रेजुएट अरविंद वर्मा ने 5 तारीख में अपने दोस्त के हाथों अपनी मौसी को गोली मरवा दी थी। 3 दिन बाद 8 तारीख में उपचार के दौरान इस महिला इंदिरा वर्मा की अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इंदिरा वर्मा लोनी इलाके में 40 गज का प्लाट, जिस पर अरविंद का मकान बना लिया था, मकान को बेचना चाहती थी। दरअसल ये प्लाट इंदिरा का था, लेकिन अरविंद ये नहीं चाहता था। अरविंद का कहना है कि अगर वह ये इस हत्याकांड को अंजाम नहीं देता तो बेघर हो जाता। अरविंद को अपनी मौसी के कत्ल पर कोई पश्चाताप नहीं, हालांकि उसके 2 बच्चों को लेकर वह परेशान जरूर है। अरविंद, आपने अपनी सगी मौसी को मारा, क्या वजह रही थी मारने के पीछे? मेरा मकान हत्याने की कोशिश कर रहे थे, मेरा घर बेघर होता, इससे अच्छा है कि मैंने ये सब किया। जिस समय आपने वारदात को अंजाम दिया, आपकी मदर भी साथ में थी, कैसे आपने प्लानिंग की, क्या कुछ बताएंगे? प्लानिंग क्या, मैंने इससे करवाया, उनको फोटो दिखाया, बस खुद करा था आपने? खुद नहीं, नहीं, मैं घर पे था। आप घर पे थे, किससे करवाया था ये? दोस्त यार थे। वो पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ सर। और ये इसका कोई पश्चाताप है आपको कि आपने अपनी मौसी को मारा? पश्चाताप है, देखो वो एक गलत औरत थी, मुझे पश्चाताप से लिखना है कि उसके 2 बच्चे हैं और उनका थोड़ा सा दुख है मुझे, अदरवाइज उसका थोड़ा सा ये है कि एक गलत औरत थी और हम पे भी गलत प्रेशर बना रही थी। बस इसीलिए पैसा की बात हुई थी, जिन दोस्तों से आपने कत्ल करवाया था, कुछ पैसे देने की बात हुई थी, कितने पैसे देने की बात? पैसे की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बट ये था कि एक दोस्त था, उसके भी कुछ पैसे उसके चाहिए थे नौकरी लगवाने के लिए, फर्जी नौकरी लगवाती थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो अच्छा, शादी भी आपकी, सुना है शादी भी उन्होंने कराई थी और उसमें भी इंटरफेयर करती थी? वो तो सर देखा करती थी, करती थी, बोले हर किसी की फैमिली में पूरा अफसोस नहीं आपको कोई? अफसोस मैंने बताया ना, सिर्फ इतना है कि 2 बच्चे हैं उसके छोटे, जिनका मुझे थोड़ा अफसोस है कि ये बच्चे थोड़े अनाथ हुए और जिसमें, और बस ये था कि देखो मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मुझे मेरा घर रोड पे आता, तो इसलिए अपने फैमिली बचाने के लिए कोई भी बड़ा स्टेप उठा सकता। ठीक है। अरविंद अपने दोस्त को हत्या का जिम्मा सौंपा था। हत्या को अंजाम देने वाले हरीश पर नौकरी लगवाने के नाम पर इंदिरा उससे पैसे लिए थी, लेकिन वह पैसे नहीं लौटा रही थी, जिसके चलते हरीश भी अरविंद के साथ ही इस काम में हो गया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। दरअसल मृतका के परिजनों ने मृतका के पति और एक अन्य शख्स पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसका खुलासा आज पुलिस द्वारा किया गया। कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे निकलकर सामने आए, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था? दिनांक 5 दिसंबर की बात है, लगभग 1:30 बजे बिस्मिल्ला होटल के सामने एक महिला को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी थी। उस महिला की मृत्यु 2 दिन बाद अस्पताल में हो गई थी उपचार के दौरान। तो जब विवेचना की गई तो विवेचना में उसके सगे भतीजे का नाम प्रकाश में आया, इसकी बहन का लड़का था अरविंद वर्मा। इनके और इनकी मौसी का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, मकान को लेकर डिस्प्यूट था। ये इसकी मौसी जो मृतका है वो खाली कराना चाह रही थी मकान को, ये खाली नहीं करना चाह रहा था, उसी के संबंध में इसने मदद की। सर, पैसों का लेन देन भी कुछ आया क्या? और जो लोग 3 शामिल हैं इसमें, 4 लोग कुछ पकड़े गए, उनका क्या अटैचमेंट रहा? 2 लोग जो नाम आए हैं हरीश और रोहित का, हरीश ने कुछ पैसे दिए थे इंदिरा वर्मा को, इंदिरा वर्मा ने ये कहा था कि हम तुम्हारी नौकरी लगवाते हैं, 1 साल पहले पैसे दिए थे, 30,000 रुपए दिए थे, नौकरी लगी नहीं थी हरीश की, तो हरीश भी इंदिरा वर्मा से गुस्सा रहता था। साथ ही साथ जो कुणाल प्रिंस है उसने मोटरसाइकिल सप्लाई की थी मर्डर के लिए, तो 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए, 4 गिरफ्तारी की गई। सर, हरीश और इनका मौसी का आपस में रिलेशन किस तरह का रहा? कुछ शादी वगैरह का जिक्र भी आपने बताया, सब कुछ इन्होंने देखा था क्या? थोड़ा जानकारी, हरीश की मौसी जो मृतका है इंदिरा वर्मा, इसने हरीश की शादी, हरीश की नहीं, अरविंद वर्मा की शादी करवाई थी, और इनके बीच में थोड़ा सास और बहू के बीच में थोड़ा मतभेद रहता था, जिसमें इंदिरा वर्मा इंटरफेयर करती थी, इस बात को लेकर भी अरविंद इनसे नाराज रहे। सर, ये लोनी पहुंची थी इंदिरा वर्मा, गोली मारी गई थी मैन सड़क पर, तो सर किस तरीके से प्लानिंग की गई थी? ये लोग व्हाट्सएप कॉल करते थे जी। ये लोग, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो 0 है, कोई अपराध पहले किया नहीं है, लेकिन ये जानकारी इनको बहुत थी कि व्हाट्सएप कॉल ट्रेस नहीं होती है, तो पूरा रेकी की थी अरविंद वर्मा ने, पूरा बताया था कि मेरी मौसी वहां गई है और इसकी सगी माँ के साथ गई थी, तो जब गोली चली तो उसकी माँ को भी गोली लग सकती थी, इसने बड़ा रिस्क लिया है, जो मतलब दोनों बगल थी, साथ साथ जा रही थी, इसने रेकी की कि मेरी मौसी चचेरी बहन क्या मकान देखने गई है, इस समय गई है, लौट कर आएगी, इसके बाद में। ठीक है सर।
दिल्ली से अमित की रिपोर्ट।